हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने थर्ड टॉपिक अपना स्टार्ट किया है। थर्ड टॉपिक का नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। फर्स्ट में हमने इंडाइसेस के फॉर्मूले देखे, इंडाइसेस के फॉर्मूले को अप्लाई किया, देन उसका हमने प्रैक्टिस से भी सॉल्व किया। सेकेंड हमने क्यूब रूट देखे, उसे पढ़ने की मेथड देखी, रूट का साइन देखा, बराबर है ना। आज हमारा सेकेंड पॉइंट है क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे कि हमने फिफ्थ रूट देखा, सिक्स रूट देखा, उसे हमने m अपॉन n इस फॉर्म में भी लिखा। उस फॉर्म में लिखने के बाद आज जो हमारा पॉइंट है क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बोलो। बराबर है, उस नंबर को उस नंबर से मल्टीपल किया तो हमें स्क्वायर मिलता है, बराबर है ना। सपोज टू का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, टू टू जा फोर। एट का स्क्वायर कैसे निकालोगे, एट एट जा 64, बराबर है ना। 64 किसका स्क्वायर रूट है, बराबर है, सॉरी 64 किसका स्क्वायर है, एट का। और एट किसका स्क्वायर रूट हुआ, 64 का। वैसे ही जब हम ये जो फॉर्मूले देखे तो हमारे पास था क्यूब, तो आज हम क्यूब देख रहे हैं। क्यूब यानी क्या, उसी नंबर को थ्री टाइम मल्टीपल करना। क्यूब यानी क्या, उसी नंबर को थ्री टाइम मल्टीपल करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वन है, वन का क्यूब ऐसे लिखा जाता है। क्यूब यानी सर के ऊपर रेज कितना रहता है, उसका पावर थ्री रहता है, यानी वन को थ्री टाइम मल्टीपल करो। वन के टेबल को कितनी टाइम भी मल्टीपल करे तो आंसर अपना क्या आता है, वन वन जार वन, वन वन जार वन, यानी ये क्या हुआ अपना वन, उसका क्यूब निकला। किसका, वन का क्यूब क्या निकला, वन, एंड वन इज अ क्यूब रूट ऑफ वन। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है, अब ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, टू का क्यूब निकालना है। तो टू का क्यूब यानी टू इंटू टू इंटू टू, यानी टू की थ्री टाइम मल्टीप्लीकेशन। टू टू जार फोर, फोर इंटू टू यानी फोर टू जार एट। टू का क्यूब क्या निकला, एट, एट इज अ क्यूब रूट ऑफ टू। तो एट किसका क्यूब रूट निकला, टू का। सेम वैसी पोजिशन से हमारे पास माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स का क्या निकला है, क्यूब रूट। तो माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स, यानी थ्री टाइम इसकी मल्टीप्लीकेशन करो। माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, थ्री सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स इंटू, ये माइनस सिक्स हुए, प्लस इंटू माइनस माइनस होते, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स, सिक्स और ये थ्री कैरी, सिक्स वन सिक्स, सिक्स टू जार ट्वेल्व, सिक्स थ्री जार एटीन, नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन। यानी माइनस सिक्स का क्यूब क्या निकला, माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन, बराबर है ना। माइनस इसका, माइनस सिक्स का क्यूब क्या निकला, टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन, और ये किसका क्यूब रूट है, माइनस सिक्स का। आए ध्यान में। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो 1.2 इसका क्यूब रूट निकाला है। सेम 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 आया है हमें, सेम वैसे ही करना है। तो फर्स्ट में इसका मल्टीप्लीकेशन करो, इसका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैं यहाँ ले दी 1.2 इंटू 1.2, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, आया है हमें 1 टू जा 2 वन जा सॉरी 0, 2 वन जा 2, 1 वन जा 1, इसके एडिशन की तो हमारे पास मिला 144। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका साइन इस्तेमाल करना है, यानी 1.44 इंटू 1.2, यहाँ पे ये मिला, बराबर है ना। पीछे एक नंबर छोड़ के, पीछे एक नंबर छोड़ के, यानी यहाँ पे दो नंबर छोड़ के हमारा ये साइन आता है, यानी ये हमारा ये फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब सेकेंड 1.44 को वापिस 1.2 से क्या करना है, मल्टीपल करना है, क्योंकि हमारा क्यूब निकालना है। 4 टू जार 8, 4 टू जार 8, 2 वन जार 2, ये खत्म हुआ इसलिए ये कैरी का 0, 4 वन जार 4, 4 वन जार 4, 1 वन जार 1, अब ऐड करो, ऐड 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 4 8, 9 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 5 6 7, और ये 1 का 1। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर छोड़ के है, 1 नंबर छोड़ के, यानी बैक से जितने डेसिमल पॉइंट नंबर छोड़ के रहता है उतने पूरे मिला के यहाँ पे हमें पॉइंट छोड़ने हैं। 1 2 3, 1 2 3, यानी हमारा आंसर आया 1.728। सेम हमें ये ऐसे क्यूब निकालना है, इसकी भी पोजीशन सेम वैसे ही है, माइनस टू इंटू थ्री, माइनस टू अपॉन थ्री,
माइनस टू अपॉन थ्री, यानी माइनस टू अपॉन थ्री इंटू माइनस टू अपॉन थ्री इंटू माइनस टू अपॉन थ्री, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है और सेम पोजिशन है। ये रफ करिए, देखो सेम, ये फर्स्ट में लो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू अपॉन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। अब मुझे बोलो माइनस क्यूब माइनस ही होता है और टू का क्यूब कितना निकला एट, ऐसे टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन। आइडल में सेम हमें ये क्यूब ऐसे निकालने हैं, क्यूब यानी उसी नंबर को उसी नंबर से थ्री टाइम मल्टीपल करो, ये हुआ उसका क्यूब, यानी माइनस सिक्स का क्यूब हुआ माइनस टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन, और टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन किसका क्यूब रूट है माइनस सिक्स का आयतन में। तो अब देखो सेकंड फाइंड करो क्यूब रूट। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड करोगे, देखो तो क्यूब रूट जैसे कि हमने ये क्यूब फाइंड किया, अब क्यूब रूट उल्टा इसका ये निकालना है। तो निकालने के लिए फर्स्ट में हम जो एलसीएम एलसीएम निकालते थे ना उसकी जो मेथड थी वो फैक्टर फाइंड करने की वो लेंगे। तो जैसे कि लास्ट में सिक्स है तो यहाँ पे हम टू इस्तेमाल करेंगे, टू वन जर टू, टू एट जर सिक्सटीन, जीरो टू एट जर सिक्सटीन डिवाइड कर रहे हैं, वापिस एट है वापिस टू लेते हैं, टू फाइव जर टेन, टू फोर जर एट, वापिस टू लो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपको फैक्टर पढ़ने आते हैं फैक्टर, क्योंकि हमारे जो फिफ्थ से लेके सेवन तक जो स्टैंडर्ड हुआ है उसमें हमने फैक्टर फाइंड करके एलसीएम एलसीएम निकाला था, उसी मेथड से मैं जा रही हूँ। लास्ट का यूनिट प्लेस देखना, टू की डिविजिबिलिटी इस्तेमाल करने की आती है क्या, थ्री की आती है क्या, फोर की आती है क्या, समझ में आया, सेम वैसे करो। या फिर फोर इसे वापस टू लिया, टू टू जा फोर, टू सेवन जा फोर्टीन, ये किसका निकला अभी, ये किसका निकलता है थ्री का, थ्री देखो तो थ्री थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, वापिस थ्री आया, थ्री थ्री जा नाइन। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में ऐसा क्यूब रूट लेती हूँ मैं, तो इसमें यहाँ पे क्या क्या मिले उतनी मल्टीप्लीकेशन हमें यहाँ पे लिखनी है, टू इंटू टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, सेम हमें इस पोजिशन में यहाँ पे ये लिखनी है। अब लिखने के बाद देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं रफ करती हूँ, और जैसे कि वो हमने फाइंड किया ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे, टू इंटू टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, फैक्टर फाइंड किए तो ये मिला हमें, या फिर मैंने फैक्टर की मेथड इस्तेमाल किए तो ये किसका क्यूब, यहाँ पे जो क्यूब रूट के अंदर इतने थे तो ये वापस आते टाइम एक होता है, तीन में से एक बाहर आते हैं, ये दो रूट के लिए कैंसिल होते हैं, सेम ये थ्री नंबर बाहर आएगा, ये दोनों इसके लिए कैंसिल हो गए, थ्री टू जर सिक्स। आयतन में ये सिक्स का क्यूब क्या था, टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन, तो सिक्स क्यूब इज अ टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन एंड सिक्स इज अ क्यूब रूट ऑफ टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन। आयतन में तो इसका क्यूब रूट क्या निकला, सिक्स निकला। अब सेकेंड यही फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के मल्टीप्लीकेशन से क्यूब फाइंड किया था, अब क्यूब रूट के लिए तो यहाँ पे मैं एक जैसे कि इंडाइसेस जहाँ पे अप्लाई होते हैं वहाँ पे अप्लाई करो, इंडाइसेस इंडाइसेस के फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे कैसे करना है देखो ये फॉर्मूला। तो जैसे कि हमें डेसिमल पॉइंट क्या करना है इसे हमें निकालना है, यहाँ पे कितने नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट है, वन टू थ्री, तो फर्स्ट में 0.125 इनटू 1000 अपॉन, इसके अपॉन में कितना रहता है 1 रहता है, उसे भी 1000 से मल्टीपल करो। अब टीचर ये बीच में 1000 कहाँ से आएगा, जब आपको डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए तो हम टीचर जितने नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट दिए रहते हैं उतने नंबर से हम क्या करते हैं इसे मल्टीपल करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 नंबर छोड़ा रहता है तो 10 से, 2 नंबर छोड़ा तो 100 से, थ्री नंबर छोड़े इसलिए 1000 से, फोर नंबर छोड़ा रहता तो 10000 से। आया था में ये सेवेंथ में मैंने आपको सिखाया था, जैसे कि ये क्यूब रूट है, अब इसे हम जब मल्टीपल करते हैं आप करके देखो ऐसे, या तो मेरे पास टाइम नहीं है फिर भी आप मल्टीप्लीकेशन ऐसे करो आपको आंसर मिलेगा, क्या आंसर होगा आपका 125 ऐसा आपका आंसर होगा। तो से और डिवीजन में होंगे 1000 1000। अब सेम पोजीशन करो, देखो ये 125 किसका क्यूब रूट निकलता है, 125 देखो किसका निकलता है, या
मैं थाउजेंड का तो बोलती हूँ, थाउजेंड टेन इंटू टेन 125, देखो किसका निकलता है, 5 5 25 25 5 125, देखो 5 5 25 25 5 125। अब जैसे कि हमें मालूम है क्यूब रूट निकालते टाइम हम क्या करते हैं, इसमें से जो सेम रहता है, तीन बार सेम नंबर आया हुआ एक सेम नंबर बाहर निकालते हैं, ये दोनों क्यूब रूट को कैंसिल होते हैं। सेम इसमें तीन नंबर सेम है, एक नंबर बाहर निकालेंगे और ये दोनों ये क्यूब रूट को कैंसिल होंगे। तो इस मेथड से हमने क्या किया है, यहाँ पे 5/10 इसका क्यूब रूट फाइंड किया है आयतन में। अब इसका आंसर आता है 0.5। देखो करके कैसे डिवीजन करो, वापिस आपको ऐसा करना है 10 डिवाइडेड 5, कैसे 10 के टेबल में 5 है नहीं, 0 कह दिया, 5 - 0 5 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ा, 10 5 50, सो आंसर आया 0.5। अंडरस्टूड? सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, 8000 के फाइंड करो। 8000 के लिए यहाँ पे मैं सिंपल मेथड देती हूँ, कैसे देखो, 8 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब रूट कौन है, 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये तीन जीरो बांटो, एक जीरो इसे बटा। अब तीन नंबर सेम में से एक नंबर दो, यानी 8 का क्यूब रूट क्या हुआ, 20। मैंने कैसे किया मालूम है क्या, फर्स्ट मैंने ये खाली जीरो के लिए अप्लाई होता है, ये 3 0 इसे 1 2 3 हमने इसे डिवाइड किया। अब 8 किसका क्यूब रूट हुआ, 2 का, 2 2 4 4 8, ऐसे 2 2 3 टाइम लिखा, यानी हमें इसका क्यूब रूट क्या मिला, 20। अंडरस्टूड? यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्या खत्म हुआ, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो यहाँ पे ये अपना जो थर्ड लेसन है कवर होता है, इसका जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 3.3। आपको प्रैक्टिस सेट क्या फाइंड करना है, 3.3, ये जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज के लिए यहाँ पे ही खत्म करते हैं और अपना अगला जो लेसन है नए वीडियो में लाएंगे। इसके लिए थैंक यू।